और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इंदौर जिले के देपालपुर नगर में चल रहे अखिल भारतीय मंगला मुखी किन्नर समाज महासम्मेलन के अंतर्गत गंगा कलश यात्रा का प्रमुख दिन रहा। कलश यात्रा 24 अवतार मंदिर से प्रारंभ होकर बेटमा नगर का भ्रमण कर बस स्टैंड होती हुई सम्मेलन स्थल पर पहुंची, जहां समापन किया गया। कलश यात्रा के दौरान नागरिकों द्वारा अपने घरों और कारोबार के सामने से सैकड़ों जगह फूलों से स्वागत किया गया। देखा गया कि किसी ने पानी की व्यवस्था की तो किसी ने पोहे का नाश्ता कराया। कलश यात्रा किन्नर समाज के पूरे लाओ लश्कर के साथ निकली। स्वागत के दौरान नगर की सभी गलियां फूलों से पट गई थी। कलश यात्रा में बैंड, डीजे और कई रथों पर किन्नर समाज के गुरुवर विराजमान थे। डीजे और बैंड पर किन्नरों का नृत्य देखते ही बन रहा था। पूरे मार्गों पर दोनों ओर दर्शकों की ऐसी भीड़ लगी कि लोग देखते ही रह गए। किन्नर समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर नागरिकों को आशीर्वाद दिया। वहीं नगर सुरक्षा समिति थाना संयोजक रमेश चंद्र राठौड़ ने भी सराहनीय भूमिका रही, जिसे लोगों ने सराहा है। सीनियर सिटीजन इतनी मेहनत करते हैं ये देखने को मिला। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। महाकाल, जय माता दी, और सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल हमारे यहाँ देपालपुर में कलश यात्रा निकलेगी। हमारे किन्नर समाज के जितने भी हैं सबका जुलूस निकलेगा यहाँ पर। जितने भी हमारे नगर साथी में जितने महिलाएँ हैं, जितने ही बच्चे हैं, पुरुष हैं, जितनी माताएँ बहनें हैं हमारी, सब कल जुलूस में आने के लिए पधारें और सहयोग करें। और सभी से सबकी सुख शांति के लिए, हमारे देपालपुर की सुख शांति के लिए ये कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए हम सब लोग संगठित हुए हैं। तो आप लोग सभी पधारें और हमारा सहयोग दें। मैं बोल रही हूँ अलका बुआ जी, उज्जैन से, जो कि हमारे सम्मेलन के सातवें दिन निकलती है। और ये जो कलश यात्रा हम निकालते हैं, ये जहाँ हम लोग रहते हैं ना, उन लोगों के लिए, हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ के लिए, हमारे फौजी भाई जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, पूरे हिंदुस्तान में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बच्चे से लेके बूढ़े तक के दुआ और आशीर्वाद के लिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं। और इसी में हमारी दुआ रहती है कि मालिक सबके अच्छे मनोकामना पूर्ण करे। आज का जो देपालपुर की जनता ने हमारा सहयोग करा है, मतलब एक ऐतिहासिक बना दिया है हमारे जुलूस को। किन्नर परिवार की जो कलश यात्रा का जुलूस निकला है, मैं देपालपुर की पूरी जनता का अपने किन्नर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि आपने जो किन्नर परिवार का स्वागत करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हसीना बुआ किन्नर दलोदा से उपभोक्ता मानवाधिकार रक्षा समिति की महिला प्रकोष्ठ। भारत की, इस देश की जनता को जय हिंद जय भारत बोलना चाहती हूँ। और आज जो देपालपुर के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है कुंभ कलश का, इसको कुंभ कलश भी कह सकते हैं, गंगा कलश भी कह सकते हैं, ये प्रोग्राम, ये उत्साह बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो कुंभ कलश होता है, ये शहर की सुख शांति के लिए शहर में निकाला जाता है। सभी जगह जहाँ भी किन्नर सम्मेलन होते सभी जगह यह कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, महामंडलेश्वर लोग भी हैं और बहुत बड़े बड़े सिटियों से किन्नर लोग भी आए हैं। सभी लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा और भी बहुत सारे प्रांतों से यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और बहुत उत्साह का माहौल रहा है आज, और आगे भी और भी कुछ कार्यक्रम होंगे जो बहन बेटियों के होते हैं। कुंभ कलश के बाद में वो कार्यक्रम होंगे, बंदरवाड़ बांध में जाया जाएगा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जय हिंद जय भारत। अंदर जो ये महाकलश यात्रा जो आज निकली है, इसमें हमारे पूरी देपालपुर वासियों का बहुत बहुत सहयोग हुआ है। महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। उसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभारी हूँ उनकी बहुत बहुत। और ये कलश यात्रा इसलिए निकाली गई है कि हमारे शहर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और खूब फले फूले बच्चे वालों के बच्चे जीते रहें और सदा कमाइयों में इनकी तरक्की रहे और सदा ये फले फूले। बस यही आयोजन, इसी चीज़ के लिए आयोजन कलश यात्रा निकाली गई है। और हमेशा ये लोग सब खुश रहें, इसी चीज़ की हम आशा करते हैं। और पूरे किन्नर परिवार की तरफ से हम सब देपालपुर वासियों की बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत इनको दुआएं देते कि सदा फले फूले। मेरा नाम है अलका बुआ जी बोल रही हूँ, मैं उज्जैन नगरी से आई हूँ, अंकल की नगरी से। हम नगर की जनता के साथ हम लोगों ने मिलकर एक
प्रयास किया कि बहुत अच्छा स्वागत हो, बहुत अच्छा सम्मान दें, क्योंकि इन्होंने जो कलश यात्रा निकाली थी वो नगर की सुख समृद्धि के लिए निकाली थी। हमारे नगर की सुख समृद्धि कामिशा से जो ये कलश यात्रा निकली उसमें नगर ने जो स्वागत किया है वो नगर का स्वागत और नगर की जनता ने अपने मन से किया है। मैं ये कहूँगा कि नगर ने, पूरे नगर ने साथ मिलकर सहयोग किया, हमें अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग मिला। हमने जब भी जिसको भी किसी भी काम के लिए फ़ोन किया उन लोगों ने हमें मना नहीं किया। प्रेसिडेंट महोदय ने भी मुझे बोला कि भैया अपने को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप निश्चित मुझे बताइएगा। और नगर पंचायत द्वारा सुबह जब ये अभियान चला उसकी पूरी सफाई अभियान की पूरी उन्होंने समीक्षा की। विधायक जी और सांसद जी सुबह आए थे और सांसद जी आज शाम को आने वाले हैं कार्यक्रम में, और सांसद जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।